बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? सब खैरियत है? यकीन कीजिए कि जब से ये अय्याम आए हैं तो ऐसी दिल में, कहते हैं ना, वो जो आपकी सोचें और जो दिल की फीलिंग्स और जो खुशी होती है, वो इट हैज़ ओवरकम एवरीथिंग। ऑनेस्टली ज़िंदगी जब तक है, जब तक इस ज़िंदगी में सांस है, आज करोना है, पहले डेंगू था, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, तो ये मामला तो चलते रहते हैं, मगर इश्क मोहम्मद वाले मोहम्मद हम कुछ भी कर लें वो रुकेगा नहीं, वो हमारी सांसों के साथ दुनियावी लिहाज से ख़त्म हो जाएगा, मगर वो जो उखरवी मामला है इंशाल्लाह वो आगे भी चलेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ामिन आहू और इमाम ज़ामिन की हिस्ट्री क्या है? जब इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम को मदीना से मामूनुर रशीद ने बुलाया, तूस खुरासान में, ईरान जब यहाँ पर बुलाया, तो एक पूरा, जिसे कहते हैं ना, एक पूरी, जिसे कहते हैं डेलीगेशन तो नहीं हम उसे कहेंगे, मगर एक पूरा ट्रूप था, एक काफ़िले की सूरत में इमाम को बहुत इज़्ज़त और शान और शौकत के साथ लेकर आया गया। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि नीशापुर में स्टे हुआ पहले, और उसके बाद फिर ये काफ़िला आगे बढ़ा और फिर इमाम जो हैं वो खुरासान ईरान पहुँचे मामूनुर रशीद के पास। जब इमाम अली रज़ा मामूनुर रशीद के दरबार में पहुँचे तो वहाँ पर वली अहदी का ऐलान किया गया। इमाम अली रज़ा वॉज रिलक्टेंट, ही वॉज़ नॉट हैप्पी अबाउट द फैक्ट, बल्कि इसके ऊपर एक मुकालमा भी हुआ कि जब उसने कहा कि मैं चाहता हूँ कि आपका हक है और आप मेरे जाने के बाद आप इस मनसब पे फायज़ होंगे और आप ये रहेंगे, तो इमाम ने इवन ये भी कुछ रिवायात में मिलता है कि आपने फरमाया कि मैं तुमसे पहले इस दुनिया से चला जाऊँगा, मगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उसने, जिसे कहते हैं ना, ज़बरदस्ती थोपने वाली बात, सो दैट वो वाली चीज़ हुई। बट मसलहत, खैर किसी की क्या औकात या किसी की क्या जुरत के वो आयमा मासूमीन के ऊपर करे, बट ज़ाहरी तौर पर जितने मजालिम हो सकते थे इस दुनिया जितना कर सकती थी वो किए, और बहरहाल इन आयमा मासूमीन की ज़िंदगी का मकसद खुशनूदी रब्बानी था, अल्लाह सुबहाना व ताला की खुशनूदी था, एंड दैट्स ऑल। सो एनीवे, उसमें भी खामोशी में भी मसलहत थी, और जब कुछ लोगों ने आके ये बात भी कही तो कि आप इसको क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो इमाम ने फरमाया कि अगर हज़रत यूसुफ़ जो हैं वो मिस्र के वो हो सकते हैं जिन्होंने उस ज़माने में किया, तो उसकी मिसाल देके इमाम ने लोगों को तसल्ली दी एंड ऑल दैट। बहरहाल जब इमाम को वली अहद बना दिया गया, सो उसके बाद इमाम का जो उनकी दिखावी इज़्ज़त और वो अज़मत कर दिखाने के लिए कि वो कितना इनकी कुर्बत रखता है और कितनी मोहब्बत रखता है, जस्ट टू शो दैट ऑफ टू द पीपल, बिकॉज़ वहाँ पर मजमा और दुनिया जो थी वो आशिक़ इमाम अली रज़ा थी, आशिक़ फ़रज़ंदे रसूल थी, तो वो देखते हुए पॉलिटिकली जो वहाँ पर सिक्का राइज हुआ, सिक्का जो चलाया गया, उसके ऊपर इमाम अली रज़ा का नाम लिखा गया, और इमाम अली रज़ा का जब उस पर नाम लिखा गया तो जो अकीदत और मोहब्बत और मवद्दत रखने वाले लोग थे वो उस सिक्के को अपने पास रखते थे, ताज़ीमन इश्क में मोहब्बत में अपने पास रखते थे, और अपने पास रखने के बाद वो ये सिलसिला शुरू हो गया कि आपने लोगों ने उस सिक्के को रखना शुरू किया उनके नाम की ताज़ीम और उनके नाम की बरकत के लिए। और फिर कोई बच्चा किसी इम्तिहान में अगर अपेयर हो रहा है, किसी की शादी हो रही है, या ख़ास तौर पे बिलखसूस कोई किसी सफ़र के लिए जा रहा होता था, तो इमाम अली रज़ा का वो सिक्का जो है वो साथ कर दिया जाता था, वो अपने पास रखते थे ताकि उस चीज़ को बरकत के लिए और मोहब्बत के लिए और आसानी के लिए। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो चीज़ थी, ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये सब कॉन्टिनेंट, इंडिया, पाकिस्तान और इर्द गिर्द के जो इलाके हैं यहाँ तक पहुँची, और यहाँ पर भी अब आप जानते हैं कि जब शादी होती है या बच्चे किसी स्कूल जा रहे होते हैं या कॉलेज जा रहे होते हैं, कोई शादी होती है बिलखसूस, तो बच्चों का इमाम ज़ामिन किया जाता है, यू नो। सो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। शरई, अगर शरीयत के हवाले से देखें तो शरई लिहाज से हमें इसकी कोई
एज सच सिग्निफिकेंस नहीं मिलती मतलब रिवायात में, बट आई थिंक वो जो अकीदत और मोहब्बत और बरकत वाली बात है, आई थिंक दैट्स वॉट आई गॉट टू नो, जो मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च की एंड आई शेयर इट विद यू. मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ ताकि आपको थोड़ी समझ आ जाए कि किस तरह से ये होता है इमाम जामन. ये इस तरह से होता है इमाम जामन, कपड़े के अंदर सिक्का रख दिया जाता है. मैं आपको वो सिक्के भी दिखाऊंगी क्योंकि आप लोगों को आई थिंक यू पीपल नो बाय नाउ दैट आई एम अ लवर ऑफ इमाम अली रज़ा लिटरली. सो मैं मुझे जो चीज़ मेरे मौला की वहाँ से मिलती है मैं उठा के ले आती हूँ. ये मुझे, मैं हज़रत अब्बास की ज़री पे बैठी हुई थी. मुझे इस वक्त उनका नाम या रुबाब नाम था उनका या क्या था, और वो लाहौर से गई हुई थी. मैं बैठी हुई थी ज़री के बाहर जस्ट लुकिंग एट द गुंबद. तो एक लड़की बैठी वहाँ पर दुआएँ कर रही थी, एंड जस्ट बिफोर शी लेफ्ट शी गेव मी दिस दिस इमाम जामन, और ये तब से मेरे पास है. क्योंकि ऐसे मुकामात पे जब आपको कोई चीज़ मिलती है तो वो इट मीन्स अ लॉट टू मी. अच्छा, फिर ये इस तरह से एक ये है, ये याली इसके ऊपर लिखा हुआ है. ये भी एक जब शादी होती है तो याली और या फातिमा जो है उसके नाम का बीबी फातिमा बच्चियों को, लड़कियों को पहनाया जाता है. एक मेरे पास इमाम जामन ये है जी, देखें इसके ऊपर या मोहम्मद लिखा हुआ है. और ज़ाहिर है ये सारे जो मामलात हैं, ये तमाम हस्तियों की जो अज़मत और बुलंदी है, ये क्यों हम करते हैं. इमाम अली रज़ा से मुझे क्यों मोहब्बत है, इमाम अली रज़ा से या जितने भी आइमा मासूमीन हैं जिनका हम तस्करा करते हैं, क्यों मोहब्बत है. क्यों? क्योंकि ये आल औलाद हैं, इनके जद हैं जनाब मोहम्मद अकरम रसूल खुदा, हमारे आकाए दो जहान. ये उनकी औलाद हैं, और उन्होंने, जैसा कि मैंने कल बयान किया था, कि उन्होंने हमसे, हमें, हमें इनसे मांगी है ये मोहब्बत. और जो चीज़ मांगी जाती है उससे और वो भी फिर जो इस दुनिया के और इस कायनात की जो वजह है इस दुनिया में आने की, अगर वो मांगें तो फिर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं. अब मैं आपको वो सिक्के जो आजकल चल रहे हैं, मगर उसके ऊपर ये अगर मैं आपको करीब से दिखाऊँ, आई विल जस्ट शो यू. ये देखें, ये इमाम अली रज़ा का पूरा इसमें वो बना हुआ है रोज़ा, देख रहे हैं आप, ये वो एक दरवाज़ा है और ऊपर मौला का वो गुंबद है. ये इसी तरह से, ये आज के सिक्के भी इनके इस तरह से हैं. ये है जी 200 रियाल, 2000 रियाल का मैंने भी आपको दिखाया, और ये है, ये भी एक सिक्का है, ये भी आपको दिखाती हूँ. ये अब इस तरह से आजकल जो वहाँ पर कॉइन्स हैं उसके ऊपर इस तरह से मौला रज़ा के, ये मेरे पास होते हैं, बल्कि मैं इनको इसलिए पास रखती हूँ बिकॉज मैं ये सोच के लेकर आई थी कि मैं इसके पेंडेंट्स बनाऊँगी. आई जस्ट कीप इट इन माय हैंड और आई मेक यू नो दैट ब्रेसलेट. ये देखिए इसके ऊपर अली अली, इफ़ यू कैन सी इट्स रिटन राइट नाउ. इसमें सब साइज़ के सिक्के सब साइज़ के सिक्के रखे हैं जी. क्या आपने समझ रखा है, ऐसे ही मोहब्बत नहीं है हमें, हम अपनी मोहब्बत को कोशिश करते हैं. ये देखें, ये भी एक, इफ़ यू कैन सी, ये भी है. अच्छा, फिर ये 500 वाला था, 5 पेनी, ये 250 है. कैन यू सी, सो ये अभी भी सिक्के वहाँ पर मिलते हैं, और ये वही है. सो ये वो सिक्के हैं. बहरहाल उस ज़माने में इमाम का नाम कुंदा होता था उसके ऊपर, और वो जो है इसके ऊपर, कहाँ गई, ये मेरी वो डब्बी है जिसके अंदर मैं ये कॉइन्स रखती हूँ, और ये मेरी हाँ, और एक मैंने ये वाला तो मैंने दिखाया ही नहीं जिसके ऊपर मौला रज़ा का, ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें, सी, ये मौला रज़ा का वो है गुंबद है. ये मैं गई थी तो मैंने वो बंदे से शॉपिंग कर रही थी, मैंने उसे कहा, मैंने कहा जितने हैं ना. अच्छा, ये मेरे पास एक और कॉइन है इमाम अली रज़ा का नहीं, बट स्टिल आई वुड लाइक टू शो यू. ये मस्जिद जमकरान है, इमाम ज़माना की, जहाँ कहते हैं कि ये मौला की आमद की जगह है. देख रहे हैं, ये मस्जिद जमकरान, और यहाँ लिखा हुआ है या साहिब असर व ज़मान, राइट. सो एनीवे, ये वो कीमती चीज़ें हैं, ये मेरी ज़िंदगी की वो कीमती चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैंने कहा ये मेरा जेवर है. आप यकीन करें मुझे ना जेवर का शौक़ है ना मेरे पास ज्वेलरी. अगर मैं आप लिए, शायद लोग ये समझें कि शी इज़ जस्ट ट्राइंग टू शो ऑफ, बट इफ़ यू आस्क मी,
आई थिंक एक आधी कोई गोल्ड की रिंग होगी, मेरे मुझे शौक ही नहीं है सोने का, मुझे गोल्ड पसंद ही नहीं है. सो मेरे लिए ये जो चीज़ें हैं ना, यही मेरा गोल्ड है, यही मेरे हीरे हैं और यही मेरी ज़िंदगी और यही मेरी खुशी है. मुझे एक मैं बॉक्स बनाती जाती हूँ जिसमें मैं चीज़ें इकट्ठी करती हूँ जो मेरे साथ जानी है इंशाल्लाह. सो एनीवे, कमिंग बैक टू ज़ामिन आहू वाली बात हो गई, आपको वो वाक्या बता. अच्छा, ज़ामिन आहू का आपने अभी वाक्या सुना, सरसरी तौर पे मैं भी आपको वो वाक्या सुना देती हूँ. आपने उसको उसमें सुना मनकबत की सूरत में. वाक्या कुछ इस तरह से है कि जी एक हिरनी थी और एक शिकारी था. वो हिरनी का शिकार करने के लिए जब निकला तो उसने हिरनी को शिकार कर लिया. अब वो उस हिरनी का शिकार करके वो लेकर जा रहा था और रास्ते में इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम किसी जगह पर बैठे हुए थे, कुछ अपने साहबियों के साथ, अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ बैठे हुए थे, कुछ गुफ्तगू कर रहे थे. जब उन्होंने देखा, दूर से हिरनी को देखा, तो उन्हें अंदाज़ा हुआ कि जैसे हिरनी जो है वो रो रही है. और हिरनी ने इमाम अली रज़ा की तरफ फरियाद की और उनसे गुफ्तगू की और उनसे बात की. इमाम इल्म रखते थे, गुफ्तगू करते थे. हम उनके वाक्यात वो भी जानते हैं कि जिसमें उन्होंने ये जो शेर होते हैं उनसे गुफ्तगू की. हिरनी ने दरख्वास्त की इमाम अली रज़ा से, मेरे मौला, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और उन्होंने दूध नहीं पिया हुआ, और मैं इस शिकारी से आप ये दरख्वास्त करें कि मुझे सिर्फ थोड़ी देर के लिए जाने के लिए दे और की इजाज़त दे, और मैं अपने बच्चों को दूध पिला के आ जाऊँगी और फिर ये मुझे अपने साथ ले जाए. तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस शिकारी से कहा कि ये हिरनी चाहती है कि तुम थोड़ी देर के लिए इसको जाने दो. तो उस वो जो शख्स था वो हंसने लगा और उसने कहा कि अगर आप मुझे ये कहते कि इसको छोड़ दो तो वो बात तो समझ आती है, मगर ये बात समझ नहीं आती मुझे कि आप कह रहे हैं कि इसको थोड़ी देर के लिए जाने दो. आप कैसे मुझे ज़मानत दे सकते हैं? आप ये कैसे कहेंगे? ये कैसे वापस आ जाएगी? और उसने उससे पहले ये बात कही कि मुझे आपके चेहरे से आप बहुत ही सच्चे और बहुत नेक और परहेजगार लग रहे हैं. मैं ये जानता हूँ आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त होगा, मगर ये बात मेरी अकल में नहीं आ रही कि आप मुझसे ये कह रहे हैं कि हिरनी को जाने दूँ और इसको वापस ये आ जाएगी. तो इमाम फरमाते हैं कि मैं ये बात जानता हूँ कि अल्लाह ने इस हिरनी को तुम पे हलाल किया है, लेकिन इस हिरनी ने मुझसे दरख्वास्त की है कि उसके बच्चे भूखे हैं, वो जाके उनको दूध पिला के आ जाएगी और तुम उसको अपने साथ ले जाना. तो उस वो शख्स बड़ा हैरान हुआ, कहते हैं आपकी सच्चाई जो चेहरे पे नूर है उसको देख के मेरा जी चाहता है कि मैं आपकी बात पे यकीन करूं, लेकिन अगर वो ना आई तो इमाम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें इसकी ज़मानत देता हूँ, वो ज़रूर आएगी, तुम उसे जाने दो. उस शख्स ने उसको जाने दिया और वो शख्स शिकारी जो है वो इमाम अली रज़ा के साथियों के साथ और उन सब के साथ वहाँ बैठकर गुफ्तगू सुनने लगा और इंतज़ार करने लगा कि अभी हिरनी आएगी. बट ही वॉज़ नॉट श्योर एंड ही वॉज़ लाइक रियली अनसर्टन कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, किस तरह से आएगी, कहाँ आते हैं. मगर अब क्योंकि एक ऐसे शख्स ने, एक ऐसे बुर्दबार इंसान ने इसकी ज़मानत ली है, तो आई नीड टू वेट एंड सी. अभी वो गुफ्तगू का मरहला सिलसिला जारी था कि इतने में इमाम अली रज़ा ने देखा दूर से कि वो हिरनी अपने बच्चों के साथ आ रही है. जब उन्होंने देखा तो आपने उस शिकारी से कहा कि ऐ शिकारी, वो देख सामने हिरनी अपने बच्चों को लेकर आ रही है, अब तू इसको कैद कर ले, तू इसको लेके जा सकता है. तो वो शख्स कहने लगा कि मेरी तरफ से ये हिरनी तो आज़ाद है, लेकिन आज से मैं आपका कैदी हो गया हूँ. सो सदके, तो आप ये सोचें कि वो ज़ात, वो शख्सियत कि जो लोगों के लिए, जो जानवरों के लिए इतनी शफीक है, वो जो जानवरों की गुफ्तगू को, बातों को समझती है, तो क्या हमारे इमाम हमारे दिलों के हाल को नहीं जानते होंगे? क्या वो हमारी नहीं सुनते होंगे? हम आज भी जब अच्छा, और उनका सुनने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम उनके बारगाह में जाके खड़े हों. हमें इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम अपने घरों में बैठ के भी जब उनका तस्करा करेंगे, जब हम उनका जिक्र करेंगे, जब हम उनकी बात करेंगे, जब हम उनका उनसे कुछ गुफ्तगू करेंगे, तो उसका जवाब हमें आएगा. अगर हिरनी को उसका जवाब मिल सकता है तो हमें क्यों नहीं मिल सकता? मगर हम
हमें अपने शऊर को बुलंद करने की ज़रूरत है। जब हमारे इमाम जानवरों की मदद कर सकते हैं तो क्या हमारी मदद नहीं करेंगे? बस इन हस्तियों का वसीला देखकर अल्लाह की बारगाह में जब हम इल्तजा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, तो अल्लाह सुभान व तआला हमारी हर मुश्किल को आसान करता है। मैं अब कुछ आपके सामने कुछ वाक़यात हैं जो शेयर करना चाहूँगी। ये वाक़यात शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में तब्दीली लाने का बायस बनते हैं। हम हर रोज़ टॉपिक्स पे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कभी हैप्पीनेस के हवाले से, कभी टॉलरेंस के हवाले से, कभी जेनरस होने के हवाले से। हम कहते हैं कि जितना जो चाहते हो वो दो। और आप ये देखिए, ये जब अब ये जो वाक़यात हैं ये वही बातें हैं जो उन्होंने हमें करके दिखाई, और आज पूरी दुनिया और पूरी साइंस जो है वो सब यही गुफ्तगू कर रही है। वो जो आज से 1400-1500 साल पहले गुफ्तगू और गुफ्तगू से ज़्यादा अमल हमें करके दिखाया हमारे इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा ने। एक दफ़ा किसी शख्स ने आपसे किसी काम के लिए मदद मांगी। बस कोई एक ऐसा आदमी था जो नहीं जानता था इमाम अली रज़ा की अजमत और उनकी उनकी बड़ा मतलब उनकी हैसियत को उस तरह से नहीं समझता था, नहीं जानता था। तो कोई एक मामूली सा काम था, उसमें इमाम अली रज़ा से उस शख्स ने मदद मांगी। जब उस शख्स ने मदद मांगी तो इमाम ने जाके उसकी मदद की, वो जो भी काम कर रहा था। जब इर्द गिर्द के लोगों ने इमाम अली रज़ा को उसकी मदद करते हुए देखा तो आपके पास आए और उस शख्स को डांटने लगे कि क्या तुम जानते नहीं हो कि ये तुम किससे मदद ले रहे हो? अगर तुम्हें किसी किस्म की कोई मदद चाहिए तो हम कर देते हैं। तो वो शख्स जो है वो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुआ, और इमाम उसके और उसकी बराबर मदद करते रहे और उसका काम करते रहे। बल्कि उन्होंने इमाम ने दूसरे लोगों को कहा कि मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, मुझे अपने इस दोस्त की मदद करने दो। इसके अलावा मेहमान नवाजी के हवाले से मैं ये बताना चाहूँगी कि मेहमान और चलें, लेकिन इससे पहले कि हम मेहमान नवाजी की तरफ जाएं, मदद करना, उन्होंने नहीं देखा कि वो शख्स को जानते हैं कि नहीं जानते, वो मदद कर रहे हैं। इट डज़ नॉट मैटर हु। हमने अगर आज किसी की मदद करनी होती है तो हम ये देख रहे होते हैं क्या वो मुसलमान है, क्या वो हमारे मसलक का है, क्या वो ऐसा है, क्या वो वैसा है, क्या वो अच्छा इंसान है। वॉट इज़ दिस? वेन यू आर हेल्पिंग समवन, वेन यू आर डूइंग ऑल दैट, यू आर जस्ट अनकंडीशनली, हम क्यों नहीं कुछ कर सकते? हमें इन तमाम चीज़ों को तर्क करके अपनी ज़िंदगी से, हमें सिर्फ और सिर्फ इन हस्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए लोगों की मदद करनी है, लोगों के लिए आसानियों का बायस करना है। मैं कई दफ़ा देखती हूँ हम अपने घरों में एक दूसरे के लिए इतनी प्रॉब्लम्स आसानी क्रिएट करने की बजाय मुश्किलें क्रिएट कर देते हैं। मेहमान नवाजी के हवाले से बस ये बताना चाहूँगी कि आप अगर खानवादा अहले बैत का की अगर आप स्टडी करें, मुतालिया करें, तो आपको पता चलेगा ये एक ऐसा ट्रेट है, ये एक ऐसी खासियत, एक ऐसी ख़ूबी है कि जो इस कदर पाई जाती थी इस घराने में, मेहमान नवाजी। एक मर्तबा इमाम अली रज़ा अलैहि सलाम के पास उनके घर पे एक मेहमान उनका तशरीफ़ लेकर आया। जब वो आया, सारा खाना वाना सर्व किया, सब कुछ हुआ, उसके बाद खाना सर्व करने के बाद काफ़ी देर वो शख्स बैठा रहा, इतनी देर बैठा रहा कि बैठे बैठे चिराग जो है वो गुल होने लगा, और जब चिराग को गुल होने लगा तो वो मेहमान उठा और उसने कोशिश की कि वो चिराग को जलाए। तो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि हम अपने मेहमानों से काम नहीं करवाते, आप बैठिए, मैं इस चिराग को खुद जलाऊँगा। सो ये वो जिस कहते हैं ना अहमियत और ख़ासियत है उन हस्तियों की, और ये वो ट्रेट्स हैं, ये वो सिफात हैं जो हम जब जानते हैं तो हम रश्क करते हैं और अश करते हैं। मगर ज़रूरी ये है कि हम इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें और इसके ऊपर हम अपनी ज़िंदगियों को बेस करें और अपनी ज़िंदगियों में, आज हम अपनी कोई मेहमान आ जाए तो हम ये लाइक ओ अच्छा आप जाएंगे कब, नहीं, ये मेहमान जो हैं ये रहमत होते हैं, ये फरिश्ते होते हैं मेहमान।
आपको अंदाज़ा ही नहीं कि जब ये मेहमान आते हैं तो अपने साथ कैसी रहमतें बरकतें लेकर आते हैं, और आपको इस बात का भी अंदाज़ा नहीं है कि जब ये जाते हैं तो कौन कौन सी बलाओं को ले जाते हैं आपके घर से। सो मेहमानों की कदर कीजिए, मेहमानों के आने पर कभी मुँह ना चढ़ाइए, हमेशा खुशी से उनका इस्तकबाल करते रहिए। अब आजकल आपको पता होगा कि ये कितनी ज़्यादा कैंपेन्स चल रही हैं, ब्लैक और वाइट और ब्लैक डे और ब्लैक वी लव ब्लैक एंड यू नो ऑल दैट स्टफ। अब एक ये तो कैंपेन्स आज चल रही हैं, हमारे इमाम अली रज़ा ने का क्या क्या अख्लाक था और किस तरह से आप अपने ग़ुलामों को ट्रीट किया करते थे। आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू। वो शख्स जो अच्छा जी हुआ कुछ इस मैं यहाँ से बल्कि कुरान की आयत है वहाँ से स्टार्ट करते हैं कि ए लोगो, हमने तुम सबको मर्द और औरत से पैदा किया और तुमको जमातों और कबीलों में इसलिए करार दिया गया कि तुम एक दूसरे को पहचानो, अलबत्ता तुम में सबसे ज़्यादा साहिब शर्फ वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। अच्छा, एक दफ़ा अबू सलत जो हैं वो इमाम अली रज़ा के सहाबी भी थे, उनकी खिदमत भी बहुत करते थे, तो वो आपके पास आए और उन्होंने कहा कि लोग आपके बारे में ये बात करते हैं कि ये जो दुनिया आपके पास आती है ये सब आपकी ग़ुलाम है। लोग अक्सर जो ज़ाहिर है जो इमाम कोई वैसे पता नहीं कितने बदनसीब वो लोग होंगे जो इमाम के ख़िलाफ़ बात करते होंगे, लेकिन बहरहाल बात करते थे और कहते थे कि बहुत सारे ऐसे लोग ये इमाम ये सब तमाम लोग जो इनसे मोहब्बत करते हैं इनके ग़ुलाम हैं। उसके ऊपर इमाम क्या फरमाते हैं कि अगर ये हमारे ग़ुलाम होते तो हम हर किसी को बेच सकते, जबकि हमारे पास ऐसा कोई हक नहीं है, ये सिर्फ हमारे प्यार करने वाले हैं। और इन लोगों के ऊपर जो सिर्फ एक हक है हमारा, वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस बात पर जोर दिया, अल्लाह ने लोगों पर हमारा बस ये हक रखा है कि वो हमारी विलायत को कबूल करें और हमारी अताअत करें, और लेकिन ये भी खुद लोगों ही के अच्छा कितनी खूबसूरत बात है, हमारी विलायत पर का इकरार करें और हमारी अताअत करें। और आगे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि ये ऐसा करना भी इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इससे फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा कि जो अताअत कर रहे हैं ताकि वो इस सही राह पर चल सके। कौन सी राह? हम कहते हैं ना कि सिरातल मुस्तकीम, सिरात मुस्तकीम उन लोगों के रास्ते पर जो इनाम याफ्ता हैं, ना कि उन लोगों के रास्ते पर चलाना जो जिन पर अल्लाह तेरा गज़ब है, राइट। तो कहते हैं कि ताकि वो इस सही राह पर चल सकें जो इनके लिए दुनिया और आखिरत में कामयाबी की ज़मानत है। इमाम की नज़र में ये विलायत और अताअत से मुराद कौलो फेल दोनों लिहाज से है। इमाम इस्लाम की मुताबिकत करना और इसके अलावा कुछ और नहीं। नेज़ आपने वाज़े फरमाया कि सब लोग अल्लाह के ग़ुलाम हैं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के ग़ुलाम हैं सब, क्योंकि सब का बाप एक, माँ एक और अल्लाह एक है। अच्छा, वो शख्स जो खुरासान के रास्ते में इमाम अली रज़ा के साथ ट्रैवल कर रहा था एक दफ़ा, तो उसने बाद में बताया कि जब भी कोई स्टे आता था, जब भी कहीं रुकते थे, तो इमाम अली रज़ा एक दस्तरखान बिछाते थे। दस्तरखाने इमाम अली रज़ा, इंशाल्लाह ये भी मौका मिला तो मैं कोशिश करूँगी इमाम के दस्तरखान की भी शायद मेरे पास वीडियो होगी, मैं दिखाऊँगी वो जो डाइनिंग रूम है जहाँ पर मेरे मौला, मेरे शहनशाह, मेरे आका, मेरे सुल्तान, मेरे क्या मैं कहूँ बादशाह हैं मेरे मौला, कि उनका जो दस्तरखान जब सजता है और वहाँ पर जो लगता है, मैं कहती हूँ इज़ द मोस्ट लेविश दस्तरखान जो कि हर रोज़ ज़ायरीन के लिए सजता है और वहाँ पर आपको वो होता है नसीब होता है, मनोसलवा अगर हम कहें तो बिल्कुल दुरुस्त होगा। तो वो शख्स बताता है कि जब भी दस्तरखाने इमाम लगता, जब दस्तरखान बिछता, तो इमाम ने आज तक कभी किसी ग़ुलाम को, कोई अफ्रीका का या कोई जितने भी ग़ुलाम थे जो वहाँ पर आते थे, कभी भी जो बहुत सारे ग़ुलाम जो हैं वो उधर अफ्रीका वाली साइड के हबशी हुआ करते थे, तो कभी उनको अलहदा बिठा के खाना नहीं खिलाते थे, हमेशा अपने साथ दस्तरखान पे बिठा कर खाना खिलाते थे। सो ये
वो चीज़ें। अच्छा, यहाँ पर मैं वो जो ब्लैक की कैंपेन के ऊपर मैंने बात की ना, वो ज़रूर करना चाहूँगी। अयूनुल अखबार में इब्राहिम बिन अब्बास सोली का बयान है कि मैंने इमाम अली रज़ा को ये फरमाते हुए सुना, मैंने एक ग़ुलाम आज़ाद करने की कसम खाई है और मैं कसम उसी वक्त खाता हूँ जबकि ग़ुलाम को आज़ाद कर चुकता हूँ, फिर मैं अपने सब ग़ुलामों को आज़ाद कर देता हूँ। इसके बाद आपने एक ग़ुलाम की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि अगर ये समझा जाए कि मैं ये ज़रा सुनिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि ये इमाम के का इरशाद है, मैं देखे बग़ैर नहीं बोल सकती, बग़ैर नेक अमल किए सिर्फ रसूल अल्लाह से अपनी कराबत के बायस इस सियाफाम ग़ुलाम से बेहतर हूँ। तो ऐसा नहीं है, कहते हैं कि अगर लोग ये समझते हैं कि क्योंकि मेरी नस्बत आकाए दो जहान के साथ जाके मिलती है तो इस और मेरा अमल ठीक नहीं है तो इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है और इसमें अल्लाह की नज़र में मेरी कोई इज्जत और बढ़तरी नहीं है जब तक कि मेरा किरदार मेरा अमल बेहतर नहीं होगा। आज हम ये कह देते हैं अक्सर कि बस इनका ज़िक्र कर लेना काफ़ी है, बेशक इनका ज़िक्र कर लेना आपकी मंजिल का पहली सीढ़ी है, मगर क्या करें कि ये इश्क ही ऐसा है कि जो सही रास्तों के ऊपर ले जाता है। हैविंग सेड दैट, आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि हम किसी सही रास्ते पे हैं, हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में कोशिश कर रहे हैं कि गलाजत के ढेर से जो ये दुनिया है, इस गलाजत के ढेर से हम ऊंचाई का और अफजल तरीन सफ़र कर सकें। तो इमाम फरमाते हैं कि सिर्फ रसूल अल्लाह से अपनी कराबत के बायस इस सियाफाम ग़ुलाम से बेहतर हूँ, अगर कोई ये समझता है तो ऐसा हरगिज़ नहीं, बल्कि मैं अपने नेक अमल ही के ज़रिए अफजल हो सकता हूँ, किसी और तरीक़ा से नहीं हो सकता। आपसे, आपके अबा कराम और आपकी औलाद अमजद से इस मानी और मतालब में हैं और हदीसें भी मुतवातिर जो हैं वो रिवायत की गई हैं। सो कहने का मकसद ये है कि ये जो इमाम हमें बता गए हैं यहाँ पर और बता रहे हैं वो यही बात है, दैट वी हैव टू डू ऑल द गुड। सिर्फ ज़बानी जमा खर्च का कोई सीन नहीं है। इफ़ यू आर इन लव विद दीज शख्सियात तो फिर आपको अपनी ज़ाहरी के साथ साथ बातनी, अंदर के साथ साथ बाहर, सोचों के साथ साथ अमल, ज़बान के साथ साथ फेल, इन तमाम चीज़ों की करने की ज़रूरत है। और हम दुआ करते हैं बारगाह इलाही में इन हस्तियों का, बिलखुसूस इमाम अली रज़ा का सदका, इमाम अली रज़ा की हमें के वसीले से अल्लाह सुबहान व ताला हमें वो बेहतरीन इंसान बना दे जैसा वो हमें चाहते हैं, जैसा हमारे इमाम देखकर हमें खुश होंगे, हमें देखकर राज़ी होंगे। अल्लाह सुबहान व ताला, अल्लाह ये जो हम अपनी ज़बान से हर वक्त, मैं अपनी ज़बान से जो इश्क 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 कहती हूँ, आशिकाए अहले बैत, आशिकाए इमाम अली रज़ा, आशिकाए ऑल दीज पर्सनैलिटीज़, इमाम आयमा मासूमीन, जना आशिकाए बीबी मासूमाएकुम, या अल्लाह इस कहने को, वो कहते हैं ना, सोचें आपकी ज़बान और जो ज़बान है वो आपका किरदार और किरदार आपकी पहचान, तो इसी चीज़ को अपने ज़हन और चीज़ों में रखते हुए अल्लाह सुबहान व ताला इस कही हुई ज़बान से जो हम बारहा बोलते हैं, अल्लाह इसी में इतनी तासीर कर दे कि ये कहना ही हमारे लिए हमारे दिलों की, हमारे आमाल की, हमारे किरदार की तब्दीली का बायस बन जाए। और यकीन कीजिए बन जाता है, जिस बात को आप सोच रहे होते हैं, जिन हस्तियों के साथ आप लिंक्ड रहते हैं, जिनके से ताल्लुक़ कायम करके आप उनके नूर की बारिश अपने ऊपर महसूस करते हैं, तो वो हस्तियाँ फिर आपको अपने सीने से लगाती हैं। और ये मैं एक और बात यहाँ पे कहना चाहूँ, मैंने आज तक जब बिलखसूस इमाम अली रज़ा, इमाम अली इब्न अबी तालिब, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इन शख्सियात की ज़रियों को जब भी अपने सीने के साथ लगाया है, उसको मस किया है, यकीन करें मैं इस एहसास के साथ उसको मस करती हूँ कि जैसे मैं हम इस काबिल नहीं हैं बेशक, मगर ये वो कहते हैं ना कि ये हस्तियाँ हमारे लिए हमारे रूहानी वालदैन हैं, हमारे रूहानी बाप हैं, हमारे लिए गाइड हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे लिए यही हमारे हमें सही रास्ते पर हमारे उस्ताद हैं, सो हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, हमारे मददगार हैं। तो इन्हीं हस्तियों को महसूस करके हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन तब्दीली लेकर आएँ और अपना चेहरा जो है रोशन चेहरा इंशाल्लाह
हम इन हस्तियों के सामने लेकर आए, मगर इस रोशन चेहरे को रोशन करने के लिए अपने दिल को रोशन करना पड़ेगा, और अपने दिल को रोशन करने के लिए कुदूरतों को, नफ़रतों को, गीबतों को, बुराई को, झूठ को, कीना को, हसद को, इन तमाम चीज़ों को पकड़ के रैप करके डस्टबिन में फेंकना पड़ेगा। अल्लाह सुबहान व तआला इस महीने के सदक़े में, इस अशरे करामत के सदक़े में हमें वो बेहतरीन इंसान बना दे, वैसा नूरानी चेहरा लेकर हम उन नूर वालों के पास जाएं, और इतनी आसानी से हम हमारी जो रूह है उसका सफ़र और उसकी परवाज़ हो अपने रब्बानी की तरफ, अपने रब की तरफ, कि सब कुछ आसान हो जाए। अपना बेहद ख्याल रखिए। इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा की आमद के अय्याम हैं। अल्लाह इनकी आमद के सदक़े में ये जो मुश्किल घड़ी है, ये मुश्किल जो इस वक्त बनी है पूरी दुनिया पे, इंशाल्लाह इसका हल हो जाए और इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावात, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद।